बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फैसल इस्लाम। चूँकि हम सी लैंग्वेज का जो है सी लैंग्वेज से रिलेटेड हमारी डिस्कशन होती है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सी लैंग्वेज से रिलेटेड हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ बातें की थी। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा के स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इस आज की वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अगर अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो ये एक अलग टाइप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। और अगर हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो ये एक अलग चीज़ है। तो दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाई वन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आता है और नॉलेज होना भी चाहिए, क्योंकि हम सी लैंग्वेज जो है जिसकी तरफ जा रहे हैं वो भी देखते हैं कि वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं कि जिसके अंदर जो पूरे का पूरा हमारा कोड है या ब्लॉक है वो छोटे छोटे पीसीज पे डिवाइड नहीं होता, एक ही ब्लॉक पर जो है कॉन्टीन्यूस ब्लॉक पर सिंगल ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो इंटायर लॉजिक ऑफ प्रोग्राम इज़ रिटन एज अ सिंगल कॉन्टीन्यूस एंड अनब्रोकन ब्लॉक। तो मैं इसकी एग्जाम्पल भी देता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये देख लें कि इसको डिफ़िकल्ट होता है मॉडिफाई करना, यानी अगर आप अपडेट करना चाहते हैं या चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमारे पास एक ही ब्लॉक होता है जिसके अंदर हमने कोड अपना कंप्लीट किया हुआ था, लिखा हुआ होता है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे कोड आपके सामने रखता हूँ, ये देख सकते हैं आप कि इसमें हमारे पास जो है मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन के बाद लाइक स्टैटिक मेन है, तो इसके बाद पूरे का पूरा कोड जो है एक ही कर्ली ब्रेसिस के सेट के अंदर जो है वो लिखा हुआ होगा, आप ये देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनमें जो कोड है वो अनब्रोकन पीसीज होते हैं, यानी कि कॉन्टीन्यूस कोड होता है, ठीक है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ग्रुप को हम अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, और इनमें जो कोड लिखा हुआ होगा दैट विल बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हम उनको ईजीली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं सकते, और अगर इसमें कहीं पे एरर आ जाता है तो हम एरर को भी ईजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ अगर हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो इनमें जो भी कोड होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स और मॉड्यूल्स, ठीक है, कि पूरे का पूरा जो कोड है उसको छोटे छोटे पीसीज में मॉड्यूल्स के अंदर, यूनिट्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया होगा, ठीक है। और इसकी भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक अगर आप इसको देखें तो ये एक फंक्शन है जो कर्ली ब्रेसिस के अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ अगर हम मीन के हर एक जो है सबसे पहले लाइक कॉल सम सम फंक्शन है, फिर सब फंक्शन है, फिर उसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो इट मींस के वी कैन से दैट के हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो भी कोड होगा मीन के अगर ये हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें जो भी कोड होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसीज, और अगर ये पीसीज के अंदर कोड लिखा हुआ है तो हम इसको इजीली जो है इसमें से अगर कहीं एरर आ जाते हैं, हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो वी कैन ईजीली अपडेट एंड मॉडिफाई, ठीक है। तो ये जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं उनको हम फंक्शंस बोलते होते हैं, और हर एक का अलग नाम होता है, लाइक के कहीं पे प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ हुआ होगा, कहीं पे स्कैन एफ फंक्शन यूज़ हुआ होगा, हर फंक्शन जो है उसका एक यूनिक नेम होगा और हम उसको इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने जस्ट यही डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अनस्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। और तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें जो सी लैंग्वेज है दैट फॉल्स इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज होल कोड इज ऑफ सी लैंग्वेज इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल पीसीज, जिनको हमने फंक्शंस कहा, जिनको हमने यूनिट्स कहा, जिनको हमने मॉड्यूल्स कहा। तो इन शॉर्ट के अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बोलते हैं जिसमें होल कोड जो है मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं होता, एक कॉन्टीन्यूस ब्लॉक होता है। दूसरी तरफ जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें कोड जो है
कम्प्लीटली छोटे छोटे पीसीज के अंदर डिवाइड होता है, कुछ फंक्शंस के अंदर डिवाइड होता है, हर एक यूनिक नेम होता है।